अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंटियो। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट 3.3 चैप्टर है हमारा चेसिंग ड्रीम्स, एक्सरसाइज 2 हमने कर ली है। आज की एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 में हमारे पास लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, द की वर्ड इन ऑल ऑफ देम इज एप्पल्स। नंबर 1 है एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ, डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव, ठीक है, स्टेटमेंट सेंटेंस है और साथ ही सादा जुमला है। दीज एप्पल्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, डिक्लेरेटिव नेगेटिव। अगर आपने पिछले एक्सरसाइज का लेक्चर देखा है तो आपको ये एक्सरसाइज अच्छे समझ आएगी। अब दोनों जो हैं डिक्लेरेटिव है बट एक अफर्मेटिव है, एक नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे? क्योंकि इसमें नॉट का इस्तेमाल हुआ है। अब एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ, एप्पल्स जो हैं सेहत के लिए अच्छे होते हैं, बट दीज एप्पल्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, ये जो एप्पल्स हैं वो सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं, ठीक है। आर दीज एप्पल्स टेस्टी, क्या ये एप्पल्स टेस्टी हैं? तो ये क्या हो गया? इंटरोगेटिव अफर्मेटिव, अफर्मेटिव है, सादा जुमला है। आर्न दीज एप्पल रॉ, इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है, तो इसमें नॉट का इस्तेमाल हो रहा है आर के साथ, तो ये हो गया इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो ये जो 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस थे जो हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखे थे, यहाँ पर उन्हीं टाइप्स के ज़रिए कुछ सेंटेंसेस बनाए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है स्टेप 1, वर्क इन ग्रुप ऑफ 4। फर्स्ट, इंडिविजुअली थिंक ऑफ अ वर्ड, टेबल, टेलीविजन, बुक एक्सेट्रा, ठीक है। ग्रुप में काम करना है, 4 ग्रुप बनाने हैं और कोई भी वर्ड सोचना है, टेबल हो, टेलीविजन हो, बुक हो एक्सेट्रा। राइट अ डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस यूजिंग दिस वर्ड। आप इसमें से किसी भी वर्ड को लेकर आपने डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव यानी कि स्टेटमेंट बनानी है और साथ ही वो सादा जुमला होना चाहिए। राइट दिस सेंटेंस ऑन अ शीट ऑफ पेपर एंड अंडरलाइन द मेन वर्ड। अब मेन वर्ड क्या होगा? टेबल का अगर आप ले रहे हैं तो टेबल, टेलीविजन तो टेलीविजन, ठीक है। जो भी आपने वर्ड चूज़ किया उसको आपने अंडरलाइन करना है। व्हेन एवरीवन इन द ग्रुप हैज़ रिटन अ सेंटेंस, पास द शीट टू द स्टूडेंट सिटिंग ऑन योर राइट। अब तमाम स्टूडेंट जब डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस किसी भी इसके ऊपर लिख लें तो इसके बाद उन्होंने पेपर को पास करना है। अब स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 में होगा लुक एट द सेंटेंस यू हैव रिसीव। अब जो सेंटेंस आपके पास रिसीव हुआ है आपने उसे देखना है। अब आपके पास क्या रिसीव हुआ होगा? डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव रिसीव हुआ होगा क्योंकि पूरी क्लास ने वही लिखा है। लुक एट द मेन नाउन, मेन नाउन क्या होगा? आप हर किसी ने अलग जो वर्ड है चूज़ किया है, हो सकता है आपके पास कोई और वर्ड आए, तो अब आपने क्या करना है? उसका नेगेटिव बनाना है यूजिंग दैट नाउन। जो नाउन होगा, जो भी वो वर्ड होगा उसको लेकर आपने डिक्लेरेटिव नेगेटिव बनाना है, ठीक है। अब स्टेप 3 में जब ये भी हो जाए, ये स्टेप भी अगेन पास करना है स्टूडेंट को और देन सेम प्रोसेस लुक एट द की नाउन एंड राइट एन इंडिकेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। अब जो आपके पास पेपर आएगा हो सकता है वो कोई और वर्ड का हो, तो आपने उसका अफर्मेटिव इंटरोगेटिव बनाना है, ठीक है। इंटरोगेटिव होना चाहिए बट अफर्मेटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसी तरह स्टेप 4 में फिर से पेपर पास होंगे। अब आपके पास जो पेपर आएगा उसमें आपने क्या बनाना होगा? अफर्मेटिव नेगेटिव बनाना होगा, ठीक है। अब जो आपके पास पेपर आएगा उसमें आपने बनाना होगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या करना है? स्टेप 5 में एडिट द सेंटेंस फॉर एनी स्पेलिंग, ग्रामर, पंक्चुएशन एरर एंड राइटिंग देम इन योर नोटबुक। अब इसके बाद आपने क्या करना है? जो भी एरर हो स्पेलिंग का, ग्रामर का, पंक्चुएशन का, उसको आपने देखना है नोटबुक में अपने एंड देन रिपीट दिस 2 मोर टाइम्स यूजिंग डिफरेंट की नाउन। और उसके बाद मजीद नाउन्स को आप सेलेक्ट करके इस तरह से क्लास में एक्टिविटी कर सकते हैं। बट हमने यहाँ पर सिंपल, अगर टीचर आपकी एक्टिविटी कराएगी तो क्लास में तो वैसे इस तरह से एक्टिविटी होगी, या फिर अगर आपको सिर्फ नोटबुक में लिखने को कहा जाएगा तो फिर हम इस तरह से लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं, मैं वो आपको दिखाती हूँ। मैंने वर्ड टेबल लिया है, ठीक है। दिस इज़ अ टेबल, डिक्लेरेटिव है और अफर्मेटिव है। यहाँ पर आप आगे लिख सकते हैं सेंटेंस के आगे डिक्लेरेटिव अफर्मेटिव। टेबल इज़ नॉट मेड ऑफ प्रीमियम वुड। अब जो टेबल है वो अच्छी क्वालिटी की जो वुड होती है उससे नहीं बना हुआ, तो ये क्या हो गया? डिक्लेरेटिव और नेगेटिव, ठीक है। वेयर डिड यू बाय दिस टेबल, तुमने ये टेबल कहाँ से ख़रीदा? सो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव। इजंट दिस टेबल एक्सपेंसिव, क्या ये टेबल महंगा नहीं है? तो ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल थी, एक एग्जाम्पल इन्होंने आपको दी हुई है एप्पल की और एक एग्जाम्पल मैंने आपको दी टेबल की। अगर आप कोई और वर्ड चूज़ करना चाहें तो आप वो वर्ड भी यूज़ कर इस तरह के डिफरेंट सेंटेंसेस बना सकते हैं। इससे आपकी लैंग्वेज स्किल इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो ये थी एक्सरसाइज 3 यूनिट 3.3 की। उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल रही हो आपने इसे लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।